जैसा कि आपको पता है कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ तमाम हर वर्ग राजनीतिक दल और समाजदार लोगों ने आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाया। लेकिन मैं आपको वहीं बता दूं कि दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जिस प्रकार से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया है, उस श्वेत पत्र में उनका कहना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने आरोप मढ़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली के अंदर दिवाली पर फटाके नहीं बजने थे, लेकिन फिर भी फटाकेबाजी हुई, जिसकी वजह से प्रदूषण का माहौल जो देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं गंभीर दिख रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उनका तो ये भी कहना रहा है कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुला करके ये कमेटी का गठन करें और इस पे विचार करें कि आखिर प्रदूषण कैसे दूर होगा। जहां भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा थी आज जयंती को लेकर, लेकिन वहीं सबसे बड़ा सवाल या निशान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के ऊपर कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पूरी विस्तार से जानकारी देते हुए आज अपनी प्रेस वार्ता में कही है। जो बातें वो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो उल्लंघन हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो देखने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा जनसंसद न्यूज और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो आपका विचार हो आप हमारे जनसंसद न्यूज पे कमेंट बॉक्स में दे सकते।